नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है उन्नाव में। आज बजरंग दल द्वारा गुजरात में हुए जघन्य अपराध व निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बजरंग दल जिला संयोजक नमन वाजपेयी ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी व आवास तथा दोषियों को फांसी की सजा की मांग की गई है। मांगे पूरे न होने पर बजरंग दल धरना प्रदर्शन करेगा, ऐसा आह्वान भी किया गया है। इस मौके पर विभाग संयोजक रघुवंश मणि त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष विहिप संजय शुक्ला, जिला कोषाध्यक्ष सुनील, जिला गौरक्षा प्रमुख श्याम बहादुर, गणपति शिवम, आशीष, नितेश सहित कई कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। क्या मामला है, जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन दिया? जिलाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अहमदाबाद में सिलवासा में 4 वर्षीय बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है, जिसमें 2 मुस्लिम युवक गिरफ्तार किए गए हैं। उसमें उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, फास्ट ट्रैक पर मुकदमा जो है सुनवाई की जाए। और हम लोगों ने राष्ट्रपति का ज्ञापन किया है कि उनके जीवन के भरण पोषण के लिए गुहार लगाई है। डीएम से बात हो गई है कि उनको त्वरित सुविधा प्रदान की जाए, कुछ आर्थिक सुविधा। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा है, हमने एसडीएम साहब को वहाँ भेज दिया है, सारी कार्रवाई हो रही है। ऊपर ये जो राष्ट्रपति का हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, इसको डीएम साहब त्वरित भेजा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग धरना करेंगे।